चलो तो आज ज्योमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है सिमिलैरिटी और उसमें पहला जो कंसेप्ट है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। हेलो वेलकम टू लैब यशवंतराव राणे पब्लिक स्कूल बुराड़ी। आपको पिछले लेक्चर में बेसिक बता के हो गया है, अभी आगे चलेंगे उसमें रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स को कैसे पढ़ना ये सारी चीज़ें बताई गई थी। अब आपको अगर दो ट्रायंगल्स दिया है उनका रेशियो दिया है तो उनमें ये चार चीज़ें हो सकती हैं कि दो ट्रायंगल्स में उनमें डिफरेंट बेस और डिफरेंट हाइट हो सकता है, सेम हाइट हो सकती है, सेम बेस हो सकता है या फिर सेम बेस और सेम हाइट हो सकती है। तो इसी हिसाब से अभी स्टार्ट करेंगे हम बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो बाबा जी का नाम लो। नाम लो दो ट्रायंगल बना रहे क्योंकि दो ट्रायंगल्स में डिफरेंट बेस और डिफरेंट हाइट तब आएगा जब वो दो ट्रायंगल अलग अलग होगा। देखो यहाँ पे मैंने एक आपके आशीर्वाद से एक ट्रायंगल बनाया, आपके आशीर्वाद से और आप ही के आशीर्वाद से दूसरा ट्रायंगल भी बन गया। तो आपके आशीर्वाद से इतना सारा काम हो रहा है और इसमें ये हाइट कंसिडर कर दी बेटा, इसमें भी हाइट कंसिडर कर दी। ओके किसके आशीर्वाद से? हाँ आपके आशीर्वाद। A, B और C, यहाँ पे P, Q, R, ओके, लेट्स कंसीडर हाइट AD और यहाँ पे S, ठीक है। अब आपको इस ट्रायंगल को पढ़ना है, चलो पढ़िए। हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC, अरे अच्छा, ध्यान रखो कुछ, इन ट्रायंगल ABC, हाँ, उसमें देखो क्या-क्या है तो BC is base, okay? Yes. वहाँ देख रहे हो बेटा वीडियो वाला बना रखने? Yes. BC is base और AD is height. अगर आपको बाद में confusion होगा तो वीडियो देख लेना, हाँ? Yes. समझ में आ रहा? Yes. BC is base, AD is height. इसमें क्या आएगा बेटा बोलो? In triangle PQR, बोलो बराबर. PS is high. PS is high. PS is high. पहले बेस को ले नाराज हो जाएगा, है ना? QR is base. बोलो बराबर. PS is high. चलिए इतना हो गया बेटा, क्लियर है? अब देखो हमको करना क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लेना है। दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लेना है, कुछ नहीं है, ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। तो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, बाई फार्मूला, बाई फार्मूला, कौन सा मूला? फार्मूला। बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा? 1/2 into base। वेरी गुड, अरे बहुत सही, धन्य हो गया मैं, आपके जैसे बच्चे बाकी है ना, मुझे गर्व है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ नेबी 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। ओके बेटा, अब हमको करना क्या है, इसी का क्या लेना है? रेशियो। हम ऐसे जाएंगे ऐसे, ठीक है? ऐसे आएंगे, थोड़ा मेरा हाथ आ सकता है, इसीलिए आपके लिए बड़ा बोर्ड लगाया गया। देखो कितना मेहनत करते हैं, बड़ा बोर्ड लगाया है, इधर से इधर जा रहे हैं जी, सर में आ रहा है जी, वैभव भैया क्लियर है? आप बड़ा मेहनत कर रहे हैं। कितना हो गया बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, क्लियर है? यस। कोई तकलीफ? नो। हां चलिए अब क्या लेना है, उसका रेशियो लेना है। तो इसमें हम ले लेंगे बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपके बुक में नहीं लिखा गया है, बटे बोलो बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल टू, ओके बेटा, इज इक्वल टू 1/2 बेस गुना हाइट, मेरे
साथ बोलेंगे सभी लोग हाथ उठा के बटे बोलो कितना समझ में आया बेटा जी ओके अब आपको देखो दिख रहा होगा कि हम चलो ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल तो उस एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम ले लेते हैं कौन सा ट्रायंगल था बेटा एबीसी तो उसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिख सकते हैं ऐसे बराबर कोई तकलीफ है बेटा हाँ और दूसरा क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी क्यू आर कोई तकलीफ नहीं चलो 1/2 से 1/2 कैंसिल लेकिन आपको काटना नहीं है क्योंकि काटोगे तो तकलीफ होगी और आपको तकलीफ लेना है क्या बिल्कुल नहीं लेना चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पहले कौन सा ले लिए बेटा एबीसी दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर 1/2 बस बचा बेस यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का बेस देखो एबीसी का बेस बीसी है कि नहीं क्या बीसी बीसी गुना बोलो फटाफट एडी हाइट क्या है एडी बटे बोलो फटाफट अब देखो इसमें से कुछ कैंसिलेशन के चांसेस है क्या नहीं है तो लास्ट में हम ऐसा लिखते हैं अब इसको ले लेंगे हम ए वन बटे ए टू बराबर बोलो फटाफट बेसी बेस है तो बी वन गुना एडी एच वन तो इसको लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे लिख लेंगे क्या यहाँ पे हम लिख ले यहाँ पे करेक्शन कर देंगे यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू बी वन और एडी इज इक्वल टू एच वन ठीक है क्यू आर इज इक्वल टू बी टू और पी एस इज इक्वल टू एच टू और यहाँ पे फार्मूला चलो तक अरे गलती हो गई तो माफ कर देना बेटा हाँ जी कर सकते हैं बेटा बी वन इंटू एच वन बोलो अभी क्यू आर क्या है बेटा क्यू आर बी टू है ना तो बी टू मीन्स यहाँ पे क्यू आर की जगह बी टू गुना एच टू तो ये हम तो कल ही पढ़ चुके थे है ना पढ़ चुके थे आप जो भी पढ़ेगा उसको सीधा हिमालय भेजा जाएगा पढ़ो ना हिमालय में जाओगे तो सेफ रहोगे क्योंकि हिमालय में कोरोना नहीं है इसलिए तो हिमालय भेजना चाहता मैं चलो बराबर पढ़ो सो कैसे पढ़ते हैं इसको द पहले उसके पहले एक थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा लिख लेना हमने किसके बारे में लिख के देखे डिफरेंट बेस है डिफरेंट हाइट तो इतना सा लिख लेना व्हेन ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स हैविंग वेरी गुड बेटा अच्छे दर बेटा ट्रायंगल्स हैविंग डिफरेंट बेसेस एंड डिफरेंट हाइट है ना different bases and different heights comma नहीं comma then अब चलो चलते हैं then पढ़ो इसको then the ratio of areas आराम से डरने का नहीं the ratio of areas of two triangles पढ़ते आए हैं बेटा चलो कहाँ तक पढ़ लिया हमने यहाँ तक ही है इतना जो हमने लिखे उसका नाम है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स अब इसका नाम बोलो इज इक्वल्स टू बोलो फटाफट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट वेरी गुड सही जा रहे हो बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू प्रोडक्ट ऑफ करेस्पोंडिंग बोलो कि मैथमेटिक्स में क्या आप इतना बड़ा याद रखोगे इतना याद रखने का 1 2 3 4 5 लाइन याद रखोगे ना क्या याद रखोगे इतना सा रखोगे बेटा पक्का कोई डाउट नहीं किसी को तो ये पोएम बन जाएगी ना अभी व्हेन ट्रायंगल्स हैविंग डिफरेंट बेस डिफरेंट हाइट देन क्या देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ two triangles the ratio of areas of two triangles
is equals to the ratio, देखो, the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of product of base and height. Corresponding heights. Corresponding bases and heights. क्या यहाँ तक clear है बेटा? Yes. कोई तकलीफ है किसी को? No. समझ में आया? Yes. पक्का? Yes. अगर आपको समझ में आया तो like करे, share करे, subscribe करे. नहीं अगर बेल आइकन तो हाँ बाद में दबा देना, लेकिन आपको समझ में आया क्या? मैं मानता हूँ कि गर्मी हो रही है, लेकिन गर्मी होगी तभी तो मुझे समझ में आ रहा है इतना. हाँ तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा. अरे हुआ ना जी. चलो अभी सेकंड कंसेप्ट देखेंगे. सेकंड क्या है बोलो? सेम हाइट. सेम हाइट यानी दो ट्रायंगल्स में क्या होना बेटा? सेम हाइट. चलो तो बना देते हैं. आ रहा है वीडियो में ना? लिखा देखो ये आ रहा है. चलो जो भी है मेरा हाथ ही तो काफी है, इसमें मेरा ही हाथ है. चलो आ जाओ. ठीक है रेडी ना बेटा उदय? हाँ. सेम हाइट तो क्या करेंगे हम कि दो ट्रायंगल बना लेते बेटा. ये ट्रायंगल मैंने एक बना लिया ठीक है, और यहां से कैसा, और आपको मैंने कल ही बताया था कि कभी भी इंक्लाइंड में ये देखो इसमें ये ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी और सी, इसमें हाइट है क्या? नो. तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है हाइट. बोलो हाइट क्या होगी? डी. पक्का समझ में आ गया? Yes. और यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया ए बी सी डी ए, बोलो आपका आर दे दिया मेरा फेवरेट. तो मैं अपना नाम क्यों नहीं दूंगा? आर. ठीक है बेटा ए बी सी. तो पहला ट्रायंगल आपको ए बी सी लेना है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है? ए सी आर. पक्का? Yes. पक्का बेटा? ए बी सी आर ए आर सी जो भी है ले लो. ले लिए? Yes. पक्का? Yes. पक्का ना? Yes. इसको इधर ऐसा क्लिक कर दे नहीं मत घुमा रहे. ये आ रहा है सब? Yes. हाँ बोलो ना. इन ट्रायंगल बोलो फटाफट, ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ए बी सी. पढ़ते आएगा? Yes. मेरे बच्चों को पढ़ते आने को ना? हाँ जी. Yes. हाँ जी पढ़ते आ रहे कि नहीं? Yes. इन ट्रायंगल ए बी सी बोलो. बी सी इज बेस. हाँ बेटा. Yes. और बोलो बेटा. It is high. तो मेरे बच्चे रेडी है ना? Yes. अब है कि नहीं? Yes. अब इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल बोलो बेटा. Yes. पक्का बेटा? Yes. हाँ. बोलो CR. तो CR बेस है जी? Yes. CR is base. हाँ. और बोलो It is height. हाँ या ना? Yes. पक्का? Yes. चलो इसमें इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं? So BC is equal to B1, AD is equal to H1, है जी बेटा? हाँ. CR is equal to B2 और AD is equal to H2. अब इसके हिसाब से देखो AD is equal to H1, AD is equal to H2, इसलिए हम ये लिख सकते हैं ना H1 बराबर H2. लिख सकते हैं? हाँ यार. हाँ. पक्का? Yes. पक्का? Yes. पक्का? Yes. हाँ. ना वो कैसा? Now, area of triangle, okay? हम सीधा ले लेते बेटा. हाँ, area of triangle ABC बटे बोलो area of triangle ACR. भाई भाई भैया समझ में आ रहा है आपको? हाँ. Yes. ये वाला triangle के base ratio में ये वाला triangle ABC ratio ACR is equal to again 1/2 into base into height. ले लो बेटा बट में. Yes. तो BC into बोलो बेटा, but BC गुना AD. पक्का ना बेटा? Yes. हाँ is equal to बोलो बेटा CR 1/2 CR into AD. तो सीधा मैं AD AD काट सकता हूँ. Yes. कोई टेंशन? No. 1/2 काट सकता हूँ, लेकिन आपको नहीं काटना है. Yes. बोलो क्यों? तकलीफ है. Yes बराबर बराबर है बेटा, बहुत समझ रहे हो. तो area of triangle ABC बटे area of triangle ACR बराबर, बोलो बराबर BC बटे CR आएगा ना बेटा? BC बटे CR आएगा. Yes. So, अब चलो इतना ही तो बचा, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता. तो इसको मैं A1 लिख लूं. Yes.
और इसको ए टू लिख लो बेटा। अब बोलो बी सी क्या था? बी सी बराबर बी वन था, तो बी वन बटे बी टू। और आचल क्या नाम था? आचल ना? हम दे काजल बेटा पढ़ के बताएंगे अभी पक्का ना? इज्जत का फालूदा मत करना नहीं तो ऑनलाइन में इज्जत का फालूदा कर देंगे, पक्का ना? हाँ, क्या बोलेंगे? सो या हिंस क्या लिखो पहले बोलो? वेन ट्रायंगल्स हैविंग बोलो बड़ा सेम हाइट, पक्का बेटा? यस। वेन ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट, इसके बाद क्या लिखेंगे? दे दे कॉमा, अरे कहाँ दिखे? हाइट्स के बाद कॉमा देन, बोलो बराबर पढ़ो इसको। इतना तो पढ़ते आता है बेटा, दसवीं में आने का फायदा देखो। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, कितना टाइम हो गया अभी? टाइम कितना हुआ वहां पे देखो ना, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू, बोलो बराबर कोई तकलीफ नहीं है, पक्का लिख लू? किसके नाम से मैंने बोलूंगा तुम्हें इक्वल टू द रेशियो ऑफ बोलो करस्पॉन्डिंग लेकिन ये फार्मूला किसी विद्वान ने बनाया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1 बाय b इनटू बेस इनटू हाइट, चलो यहां पे आगे बेटा लिखे फार्मूला। ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 फार्मूला भी लिख लिए। कौन सा ट्रायंगल था? abc, दूसरा ट्रायंगल pqr, bc इनटू ad, qr इनटू ps, bc यानी b1, ad यानी hr, b2 यानी qr, qr यानी b2, ps इनटू s2, ओके। अब ये जो ये इतना जो है फंडा, ये जो है गोला है ना, इसको आपको पढ़ना है। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पोंडिंग बेसेस एंड हाइट, स्वाहा, समझा? यस, पक्का बेटा? यस। तो यहां पे खत्म हो गए, ये हमारा फर्स्ट कांसेप्ट। सेकंड कांसेप्ट क्या है? ये वाला हैविंग सेम हाइट। तो देखो एक दो ट्रायंगल बना लिया, तो ए बी सी, ये देखो इतना जो है रेड वाला इंक कहां पे बेटा? रेड का है? नहीं है सर, BC is equal to B1, AD is equal to H1, CR is equal to BC and AD is equal to H2. AD, H1 बराबर H2, यानी यहाँ पे height same है। Height same है। क्या same है? Height. Height same है? है बेटा? इसीलिए हमने ratio रख दिए। कौन सा triangle था? ABC बटे ratio में triangle ACR. 1 by 2 base into height, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है बेटा? पहले देखो उधर फार्मूला रखा था, अभी यहाँ पे डायरेक्ट रखा था, तकलीफ नहीं हुई इधर? कोई तकलीफ नहीं, पक्का नहीं? नहीं। हाँ, तो चलो ट्रायंगल एबीसी बटे ट्रायंगल एसीआर
वन बाय टू कैंसल, एडी एडी कैंसल, काटना नहीं है, मैं काट सकता हूँ, बीसी बटे सी है, तो ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू, इसको बस लिख देना है, और ये आप लिख सकते हो, ये पढ़ाया गया आपको, पढ़ाया गया कि नहीं? हाँ, the ratio of areas of two triangles is equal to, the ratio of areas of two triangles is equal to, the ratio of areas of two triangles is equal to, the ratio of their corresponding bases. किसी कोई तकलीफ? नहीं। छापो। Thank you.